हेलो स्टूडेंट्स ऑफ होली एंजल स्कूल, कैसे हैं आप सब लोग। कोरोना वायरस से बचने के लिए आप सभी लोग घर पर ही रहें और घर पर रहकर ही पढ़ाई जारी रखिए। आप घर पर रहकर बोर ना हो, इसलिए मैं राज सक्सेना आपके लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की डिजिटल क्लास फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। तो आज हम पढ़ाई की शुरुआत करेंगे मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर नंबर सिस्टम से। तो स्टूडेंट्स, छोटी क्लासेस में भी हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा है, तो एक बार छोटा सा रिकैप हो जाए। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर एन से। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम वन एंड दे आर एंडलेस। वन से शुरू होते हैं और इनका कोई अंत नहीं होता है, दे आर इनफाइनाइट। दूसरे नंबर पे आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड दे आर ऑल्सो एंडलेस। इनका भी कोई अंत नहीं होता है, दे आर ऑल्सो इन्फाइनाइट। इंटीजर्स, सभी पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सभी नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3 एंड सो ऑन इंक्लूडिंग जीरो, दीज ऑल आर इंटीजर्स। ये सभी इंटीजर्स हैं। नंबर चाहे कोई सा भी हो, माइनस में हो, प्लस में हो, जीरो हो, वो सभी इंटीजर्स में आते हैं। नाउ नंबर फोर पे आता है रेशनल नंबर्स। अ नंबर आर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो इज ए रेशनल नंबर। कोई भी नंबर हमने मान लिया कि वो नंबर आर है, और अगर हम उस नंबर को पी अपॉन क्यू यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पर पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हों और जो डिनोमिनेटर क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो नंबर रेशनल नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 5/8, -35/7, ये सभी रेशनल नंबर्स हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो रेशनल नंबर्स बिकॉज दे कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एन अपॉन वन, वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर एंड वन इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। अभी हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर्स वन से स्टार्ट होते हैं और एंडलेस होते हैं, और सभी नंबरों के नीचे जो डिनोमिनेटर है वो वन है, इसलिए सभी नेचुरल नंबर्स भी रेशनल नंबर होते हैं। सिमिलरली ऑल होल नंबर्स आर ऑल्सो रेशनल नंबर्स बिकॉज दे कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ डब्ल्यू अपॉन वन, वेयर डब्ल्यू इज ए होल नंबर एंड वन इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। होल नंबर्स जीरो से शुरू होते हैं, एंडलेस होते हैं, और उन सभी के नीचे वन एज ए डिनोमिनेटर हो सकता है, इसलिए सभी होल नंबर्स भी रेशनल नंबर ही होते हैं। नाउ जीरो इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ जीरो अपॉन वन। जीरो भी एक रेशनल नंबर है। इतना पढ़ने के बाद एक छोटा सा क्विज हो जाए। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और उनका रीज़न भी देना है। नाउ नंबर फर्स्ट, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। दिस इज़ फॉल्स बिकॉज जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर, इट इज़ ए होल नंबर। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज डिनोमिनेटर ऑफ एवरी इंटीजर इज वन एंड वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज फ्रैक्शनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। एग्जाम्पल 3/8, जो फ्रैक्शन नंबर होते हैं वो इंटीजर्स नहीं होते हैं, लेकिन 3/8 रेशनल नंबर है। फोर्थ स्टेटमेंट, एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डब्ल्यू अपॉन वन। सभी होल नंबर्स के नीचे डिनोमिनेटर में वन होता है, इसलिए सभी होल नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं। नाउ इफ वी हैव टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन द टू गिवन रेशनल नंबर्स, अगर हमें दो दिए हुए रेशनल नंबर्स के बीच में एक और रेशनल नंबर ढूंढना है, तो हम उसको कैसे ढूंढ सकते हैं। लेट अस कंसिडर टू रेशनल नंबर्स ए एंड बी। हमने मान लिया कि दो नंबर्स हैं ए और बी। नाउ उन दोनों नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए दोनों नंबर्स को ऐड कीजिए और उसको डिवाइड कीजिए टू से। यू विल गेट अ रेशनल नंबर विच लाइज बिटवीन द टू गिवन रेशनल नंबर्स। दोनों नंबरों को जोड़ने के बाद और अपॉन टू करने के बाद जो नंबर हमको मिलेगा, वो नंबर उन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच का नंबर होगा, दैट इज
a plus b upon 2 and it lies between a and b. Now we can write it as a plus b upon 2 and b. Now example number 1, isko hum example se samajhte hain. Find 3 rational numbers between 4 and 5. 4 aur 5 ke beech mein 3 rational number dhoondne hain. To get the first number, dono numbers ko add kijiye 4 plus 5 aur usko divide karna hai 2 se, yani ki 4 plus 5 upon 2 aur this is equal to 9 upon 2. To pehla number dono ke beech mein jo hai wo hai 9 upon 2 aur isko likha ja sakta hai 4, 9 by 2 and 5. Now to get the second number between 4 and 9 upon 2. अब 4 और 9 upon 2 के बीच में एक number ढूंढना है तो दोनों नंबरों को सेम तरीके से add कीजिए और उसको multiply कर देंगे 1 upon 2 से. Divide by 2 का मतलब multiply by 1 upon 2 भी होता है. 4 plus 9 upon 2 इन दोनों को add करने के लिए हम LCM use करेंगे. LCM method से इनको add करेंगे तो ये आएगा 17 upon 2 into 1 upon 2 and we will get 17 upon 4. तो 4 और 9 by 2 के बीच में हमें नंबर मिला 17 upon 4. अब इसको लिखा जा सकता है 4, 17 upon 4, 9 by 2 and 5. अब थर्ड नंबर ढूंढने के लिए 9 upon 2 and 5 हम किसी भी दो नंबर्स के बीच में ढूंढ सकते हैं. यहां पर मैंने 9 by 2 and 5 लिया है. 9 by 2 और 5 को हम LCM के तरीके से जोड़ेंगे. इसको ये आएगा हमारा 19 upon 2 और multiply by 1 upon 2, क्योंकि divide by 2 का मतलब मैंने भी बताया आपको कि multiply by 1 upon 2 भी हो सकता है. तो थर्ड नंबर मिला हमको 19 upon 4. Now अब हमारे पास तीन नंबर आ गए हैं 4 और 5 के बीच में और ये लिखे जा सकते हैं 4, 17 by 4, 9 by 2, 19 by 4 and 5. These are the three rational numbers between 4 and 5. इस तरीके से हम natural numbers के बीच में रेशनल नंबर्स ढूंढ सकते हैं. Now another method to find the rational numbers between two given rational numbers. अगर पिछला मेथड आपको समझ में नहीं आया है तो ये एक और मेथड है रेशनल नंबर्स को दो दिए हुए नंबर्स के बीच में और रेशनल नंबर्स ढूंढने का. Now solution, for example, to find 6 rational numbers between 7 and 8. We have to find 6 rational numbers. हमें 6 rational numbers ढूंढने हैं 7 और 8 के बीच में. और हम जानते हैं कि 6 से 1 ज्यादा 7 होता है. That is, 1 more than 6 is 7. Hence, multiply both the given rational numbers by 7 upon 7. On multiplying, we get 7 into 7 upon 7. We will get 49 upon 7. And 8 into 7 upon 7. We will get 56 upon 7. Now, अब जो हमारे पास दो नंबर है वो है 49 upon 7 and 56 upon 7. इनके बीच में हमको 6 rational numbers ढूंढने हैं. Now, all the numbers from 50 upon 7. 49 upon 7 के बाद आएगा 50 upon 7, उसके बाद 51 upon 7, 52 upon 7, 53 upon 7, 54 upon 7 and 55 upon 7. ये सभी numbers 49 upon 7 और 56 upon 7 के बीच में lie करेंगे. तो इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 49 upon 7, 50 upon 7, 51 upon 7, 52 upon 7, 53 upon 7, 54 upon 7, 55 upon 7 and 56 upon 7. Hence these underlined 6 numbers. ये जो 6 नंबर मैंने ऊपर underline किए हैं are the required 6 rational numbers between 7 and 8. इस तरीके से भी हम rational numbers को find out कर सकते हैं. Now example number 3, अगर जो दिए हुए नंबर हैं वो fractions में हैं, for example, find 5 rational numbers between 3 upon 7 and 5 upon 8. दोनों numbers यहाँ पर fraction में हैं और इनके जो denominators हैं वो भी same नहीं हैं. तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इनके denominators को same करना होगा. Now, denominators same करने के लिए नीचे number जो 7 और 8 हैं, इनका हमें LCM ढूंढना होगा. और 7 और 8 का LCM होता है 56. Now, दोनों numbers के, यानि कि 3 upon 7 और 5 upon 8 का denominator same करने के लिए हम इनको multiply कर देंगे. 3 upon 7 को multiply करेंगे by 8 upon 8 और 5 upon 8 को multiply कर देंगे by 7 upon 7. तो पहला number हमको मिलेगा 24 upon 56 and दूसरा number हमको मिलेगा 35 upon 56. अब दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं. अब हमें जो 5 रेशनल नंबर्स ढूंढने हैं वो 24 अपॉन 56 और 35 अपॉन 56 के बीच में ढूंढने हैं. नाउ
अगर हम सभी नंबर्स को एक साथ लिख दें तो हमारे रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स हो जाएंगे 24 अपॉन 56, उसके बाद 25 अपॉन 56, 26 अपॉन 56, 27 अपॉन 56, 28 अपॉन 56, 29 अपॉन 56, 30 अपॉन 56, 31 अपॉन 56, 32 अपॉन 56, 33 अपॉन 56, 34 अपॉन 56 एंड 35 अपॉन 56। दोनों नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं और इन्हीं में से कोई भी 5 हमारे रिक्वायर्ड आंसर हो सकते हैं। होप करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो अब आपके लिए एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, इसको आप घर में कॉपी में कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, इज 0 अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। क्या 0 रेशनल नंबर है और क्या आप इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर p एंड q इंटीजर्स हों और q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 15 रेशनल नंबर्स बिटवीन 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 20 रेशनल नंबर्स बिटवीन 8 अपॉन 7 एंड 9 अपॉन 7। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 अपॉन 7 एंड -3 अपॉन 7। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ए, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, 0 इज ए रेशनल नंबर, 3 अपॉन 7 इज एन इंटीजर, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप इस वीडियो को दोबारा से देखें। आशा करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। सो गुड लक स्टूडेंट्स, घर पे रह के पढ़ाई करें और अपना ध्यान रखें, हाथों को साबुन से धोएं और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। स्टे सेफ एंड हेल्दी। योर मैथमेटिक्स टीचर राज सक्सेना। बाय। डियर स्टूडेंट्स, ये जितना भी काम यहाँ पर लिखा हुआ है ये सभी आपको अपनी फेयर कॉपीज़ में करना है और इस काम को एक बार क्लास वर्क के रूप में करें और फिर एक बार रिपीट होमवर्क के रूप में करें और स्कूल खुलने पर इसको चेक करवाना है। थैंक यू।